औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप देख रहे हैं सी साइंस स्टूडेंट्स का चैनल और मेरा नाम है जी विकास। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसकी मदद से आप एक लार्ज वीडियो साइज को रिड्यूस कर सकते हैं विदाउट लूजिंग इट्स क्वालिटी। जी हाँ, आप अगर आपके पास अगर कोई वीडियो है, आपने कोई रिकॉर्ड की है, वो जीबीज में है, अगर आप उसको एमबीज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए ये सॉफ्टवेयर बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। तो अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी के आइकन को क्लिक करके, नोटिफिकेशन वाले आइकन को भी क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियोज़ की मालूमात आप तक पहुँच सके। तो मेरे पास एक वीडियो थी जो मैंने अभी लास्ट ही एक अपलोड की है, सिर्फ मैंने इसमें थोड़ी सी चेंजिंग ये की है कि मैंने सिर्फ एक इंट्रो ऐड की है। अगर आप देखें आपके सामने, मैं ओपन करके दिखा भी देता हूँ, सिर्फ इसके सामने सिर्फ ये एक मेरा इंट्रो जो है चैनल का, ये सिर्फ सामने आ रहा है, बाकी वीडियो वही है। ये तकरीबन आप कह सकते हैं 13 से 14 सेकंड्स का सिर्फ ये एक इंट्रो है, इसके अलावा जो वीडियो आप ये बाकी वो सेम टू सेम वही है, ठीक है। ये बाकी सेम वही वीडियो है। अब इसके साइज और ये जो ओरिजिनल वीडियो है, देखें ओरिजिनल वीडियो मेरी ये है, इसको अगर मैं ओपन करता हूँ तो सिर्फ इंट्रो के अलावा बाकी वही है, ठीक है। ये देखें बाकी वही वीडियो है, और इसके इसमें और इसमें सिर्फ इतना सा फर्क है कि साइज का थोड़ा सा फर्क हुआ है, ठीक है जी। समझ दे, यहाँ पे भी जो ये वीडियो है, बहुत से स्टूडेंट कहते हैं सर ये आपकी क्वालिटी जो है ये कैसे रिड्यूस हो जाए, तो आज इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा जिसके अंदर हम इस वीडियो की क्वालिटी जो है इसको रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है जी। अगर आप ये देखें, ये जो साइज है इस वीडियो का ये है जी तकरीबन 1.88 GB, और ये जो साइज है ये है जी 51.7 MB, सेम टू सेम। ये भी 8 मिनट और 49 यहाँ पे टाइम है इसका सेकंड्स, और यहाँ पे जो है ये इसमें 51 है, सिर्फ 1-2 सेकंड्स कट किए हुए हैं, उसकी जगह मैंने अपना इंट्रो ऐड कर दिए सिर्फ। तो ये सिर्फ फर्क है, बाकी वही यहाँ पे देखें ये 1.88 GB की फाइल है और ये भी MP4 ही है, लेकिन ये 51 MB में हो गई है। ये कैसे हुई है ये आज आपके साथ डिस्कस करते हैं। इस मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है जी हैंड ब्रेक, ये मैंने इंस्टॉल भी किए हुए हैंड ब्रेक, ठीक है जी। ये आप ओपनली जाके आप, अभी मेरे पास इंटरनेट नहीं चल रहा तो इंटरनेट पे आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ये फ्री सॉफ्टवेयर है, कोई आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। इंस्टॉल मैंने किए हुए, इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगी, वो फाइल ओपन करें, तो मैं फाइल को यहाँ से ओपन करता हूँ जी, ड्रैग में सर आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि ये सारी सेटिंग्स कैसे करते हैं इस तरह करने के लिए। अब मेरे पास ये एक वीडियो थी, मैं इसको क्लिक करके ओपन कर देता हूँ, अब यहाँ पे ये ओपन हो जाएगी, ओपन होने के बाद ये आपके सामने प्रीव्यू आ जाता है, ठीक है जी। ये मुख्तलिफ ऑप्शन हैं, बाकी डिटेल में सॉफ्टवेयर के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अगर आप प्री सेट्स देखें तो इसके ऊपर जब क्लिक करते हैं तो ये मुख्तलिफ प्री सेट्स आपके सामने नज़र आ जाते हैं, ठीक है जी। बहुत से लोग जो होते हैं जो यूट्यूब से रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड करते हैं वो यहाँ पर ऑप्शन को सेट करते हैं, ठीक है जी। मिसाल के तौर पर यहाँ पर ये देखें आ जाती है जी सुपर हाई क्वालिटी, इसी तरह सुपर हाई क्वालिटी 1080p रेजोल्यूशन 30 और 10 यहाँ पे 30 पर सेकंड होगी, इसी तरह 60 फ्रेम्स पर सेकंड, ये 4K क्वालिटी में आ जाती हैं। इस तरह ये सोशल, अगर आपने ईमेल के अंदर कन्वर्ट करनी हो तो आप उसके अंदर भेजना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुख्तलिफ ऑप्शन आपको मौजूद हैं, यहाँ पर आपने 4K में करने हैं, उसके अंदर वेरी फास्ट कन्वर्जन जो है रेजोल्यूशन के साथ ही सारी यहाँ पे आपको, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो होती है, डिफ़ॉल्ट का मतलब पहले से इसके अंदर 1080 रेजोल्यूशन और 30 फ्रेम्स पर सेकंड की ऑप्शन सेट हुई हुई होती है, आप चेंज करने कर सकते हैं। तो मैंने जो आपको यहाँ पे जो वीडियो भी बताई है, जो उसकी सेटिंग्स जो हैं वो मैंने खुद यहाँ पर की हैं, और ये यहाँ पर मैंने प्री सेट आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए मैंने एक कस्टम प्री सेट बनाया हुआ है, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पे इसको क्लिक किया तो ये आपके सामने एक आगे देखें प्री सेट आगे, इसके अंदर आपने और कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे जाके ये देखें जी ये ऑप्शन सो दो सेलेक्ट हुई हुई है, फॉर्मेट के MP4 ही रखना है, अलाइन AV स्टार्ट को क्लिक करना है, इस तरह ये पास थ्रू कॉमन मेटा डाटा को क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद डायमेंशन में आप चले जाएँ तो डायमेंशन 1920x1080 है, बाकी किसी चीज़ को आपने नहीं छेड़ना। यहाँ पे ऑप्टिमल साइज रखना है और
इधर ऑटोमेटिक के ऊपर क्लिक करना है, उसी तरह बाकी फिल्टर्स के अंदर कुछ भी नहीं आपने करना। वीडियो के अंदर यहाँ पे बहुत सी एक अहम चीज़ याद रखनी है इसके ऊपर, जब वीडियो इनकोडर के ऊपर आप आएंगे तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है, यहाँ पे मुख्तलिफ आपको फॉर्मेट दिए, आपने H.264 ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। उसके बाद सेम एज सोर्स फ्रेम रेट जो होता है वो सेम एज सोर्स मुराद जिस तरह आपने रिकॉर्ड की है, जिस तरह की फ्रेम्स हैं वैसी की वैसी रहनी चाहिए, क्योंकि इसे चेंज ज़्यादा करने से गड़बड़ क्वालिटी भी पड़ सकता है। यहाँ पे आपने कांस्टेंट फ्रेम रेट पे नहीं रखना, वेरिएबल फ्रेम रेट पे रखना है, और यहाँ पे वैल्यूज 28 रखनी है, ठीक है जी। यहाँ पे कांस्टेंट ज़्यादा आपने काम बढ़ानी नहीं है, आपने 28 रखनी है, 28 कांस्टेंट वैल्यू रखनी है, और ये जो है इनको छेड़ना नहीं है बाकी को, ठीक है जी। यहाँ पे इनकोडर प्रीसेट जो ये आपने वेरी फास्ट पे रख लेना है, ठीक है जी। इसको अब आगे पीछे करेंगे तो ये देखें सुपर फास्ट, तो यहाँ पे वेरी फास्ट पे रख लेना है। एनकोडर लेवल 4.0 ये ऑप्शन अगर आप सेट कर लें, बाकी और कुछ भी आपने करना, और किसी चीज़ को आपने इसमें से छेड़ना नहीं है, ठीक है जी। मेन चीज़ वीडियो के अंदर यहाँ पे आपकी ऑप्शन और होगी, ये आपने क्लिक करना है। कांस्टेंट क्वालिटी के अंदर आपने 28 RF की वैल्यू रखनी है, और ये वेरिएबल फ्रेम रेट है ये चेंज होता रहेगा, बाकी आपने कुछ भी नहीं करना। इसके ऊपर करने के बाद यहाँ पर आपका स्टार्ट एनकोड आ जाएगा, देखिए यहाँ पर सेव एज भी है, आपने इसको वीडियो कहाँ पर करना है या ब्राउज़ पर क्लिक करके कहीं पर भी आप लोकेशन बताएंगे तो वे MP4 में सेव हो जाएगी। तो यहाँ पे फिर आप स्टार्ट एनकोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, तो ये डिपेंड करता है आपके प्रोसेसर पे कितना होगा जल्दी। तो ये आपके सामने मैंने एक वीडियो आपके सामने ओपन भी की है, 1.88 GB इसी को मैंने कन्वर्ट की है इस सॉफ्टवेयर के थ्रू, इस सेटिंग्स के थ्रू, तो ये 51.7 MB में कन्वर्ट हो गई है विदाउट लूजिंग क्वालिटी। तो ये एक सॉफ्टवेयर ओपन फ्री सॉफ्टवेयर है, आप इसको यूज़ करें, आपको बहुत बेनिफिट होगा, वीडियोज़ आप आसानी से अपलोड कर सकेंगे यूट्यूब के ऊपर, ताकि आपका जो MBs का इंटरनेट के ऊपर जो आप यूज़ करते हैं अपलोडिंग के लिए जो साइज़ है उसका भी ज़ाया नहीं होगा, और आप जल्दी से वीडियोज़ अपलोड कर सकेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि स्पेशली वो लोग जो YouTube के ऊपर वीडियोस बनाते हैं उनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जो लेंथी लेंथी वीडियोस बनाते हैं वो जल्दी अपलोड नहीं होती, तो उनके लिए ये सॉफ्टवेयर बड़ा फ़ायदेमंद साबित होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी एक नए सॉफ्टवेयर, नई मालूमात से रिलेटेड। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।